लोग, तो उसमें एक का डेथ हुआ है, दो घायल। अच्छा, मतलब आधिकारिक पुष्टि की गई है एक लैपटॉप में, एक डेथ है और दो घायल। सर घटना के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्या घटना हुई है वहाँ पे? बिजली कार्यालय जो था ना, जी उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था, पूरा चूर कर दिया, SDO SDPO गया था, दोनों को बंधक बना दिया। अच्छा, तो उसी में जो है लोग गया था, उसी में जो है विधि व्यवस्था अपने संभाला। पारसोई में बिजली को लेकर के लोग हंगामा कर रहे थे और वहाँ गोली चला दी गई है, आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं बात करता हूँ SP से लगा तो। बिहार की बेशर्म और बेरहम पुलिस के बारे में आप तो जानते ही हैं, इनकी बेशर्मी इनकी बेरहमी से आज फिर मैं आपको एक बार रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकर के चलता हूं मैं आपको कटिहार, जहां पर इन लोगों ने खूनी खेल खेला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, कटिहार के बरसोई प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन चल रहा था बिजली को लेकर के, और पुलिस वालों ने भीड़ के ऊपर उस तरीके से गोलीबारी किया जिस तरीके से अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां बौछार कर दी थी। 3 लोगों की मौत हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये है नंगा नाच बिहार पुलिस का। बिहार की पुलिस जिस तरीके से नंग धड़ंग होकर के नाच रही है, जिस तरीके से खूनी खेल खेल रही है, ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है। ये वो नीतीश की पुलिस है जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडे बरसाती है, और आज तो हद हो गया जब अपने ही जनता के ऊपर, जिसकी रक्षा जिसकी सुरक्षा की जवाबदेही जिम्मेदारी है इनके कांधे पर, उनके ऊपर इन्होंने गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि 3 लोग घटनास्थल पर ही मौत के मुंह में समा गए। ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले BJP कार्यकर्ताओं के ऊपर बेरहमी से लाठियां बरसाई थी जब वो विधानसभा मार्च कर रहे थे, उसी में एक BJP नेता की मौत हो गई। तो इनके द्वारा जवाब दिया गया था कि लाठियों के जद में आने से उनकी मौत नहीं हुई है, वो पहले से बीमार थे। लेकिन अभी जो कटिहार में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज परासर कटिहार के SP साहब से बात किए हैं, वाइफोनिक उनसे बात हुई है, उनका क्या जवाब है ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। धीरज बोल रहे हैं देशवा न्यूज से। हाँ सर, घटना के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्या घटना हुई है वहाँ पे? सब कुछ इंस्टिगेट करके बिजली कार्यालय जो था ना, जी उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था, पूरा चूर कर दिया, SDO SDPO गया था, दोनों को बंधक बना लिया। अच्छा, तो उसी में जो है लोग गया था, उसी में जो है विधि व्यवस्था अपने संभाला ही लोग, तो उसमें एक का डेथ हुआ है, दो घायल है। अच्छा, हाँ, मतलब आधिकारिक पुष्टि की गई है एक लाख रुपए एक डेथ है और दो घायल है। वाह साहब, आप कितनी सहजता से जवाब दे रहे हैं कि वो लोग तोड़फोड़ मचा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली विभाग को पूरी तरह से चूर कर दिया, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए SDO साहब SDPO साहब वहां गए, उनको बंधक बना लिया गया, विधि व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस गई और ये कार्रवाई में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। वैसे तो स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मैं SP साहब की बात को मान लेता हूं, एक की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। लेकिन क्यों साहब, ये अधिकार आपको किसने दिया, आपकी पुलिस को किसने दिया है कि किसी की जान ले लीजिए? क्या वो अपराधी थे? वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि जनता का संवैधानिक अधिकार है। आप गोली क्यों बरसा सकते हैं? उनको रोकने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन गोलियां नहीं मारी जा सकती थी। वो अपराधी नहीं थे, आपके शहरी थे, आपकी जनता थी वो, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही आपके कांधे पर है। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष में हंगामा है, नेता प्रतिपक्ष का बयान आप सुन सकते हैं। पारसोई में बिजली को लेकर के लोग हंगामा कर रहे थे और वहां गोली चला दी गई है, आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं बात करता हूँ SP से लगाओ तो। SPDM से बात करते हैं, दुखद घटना है, और अगर जो इस तरह की प्रशासनिक गुंडागर्दी होगा तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। इस मामला को लेकर के प्रशासनिक अराजकता को ये लाठी और गोली से दबाना चाहेगा, भ्रष्टाचार और अपराध पर जनता आवाज उठाएगी, इसको शांत कराने का गोली और लाठी का प्रयोग करेगा, तो विपक्ष इस सरकार की विदाई तक आंदोलन करेगा।
सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष की सीधी सीधी चेतावनी है कि इस तरीके का कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे अराजकता को विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आप देखिए यह पुलिस की गुंडागर्दी है कि नहीं। अगर मैं गलत कहता हूं तो अपनी राय साझा कीजिएगा। ये वो पुलिस है जो किसानों के ऊपर डंडे बरसाती है, ये वो पुलिस है जो शहीदों के परिवार पर डंडे बरसाती है, और आज उस निरीह जनता के ऊपर इन लोगों ने गोलियां चलाई है जिन्होंने अपनी मांग को लेकर के वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया था। बिजली का मांग, बिजली की समस्याओं से निजात की मांग कर रही थी वहां की जनता बरसोई प्रखंड कार्यालय में, और देख लीजिए उनके ऊपर किस तरीके से गोलियां बरसाई गई है। बहुत सारे लोग घायल भी हैं भगदड़ में। अब वहां के लोग बेहद आक्रोशित हैं, प्रदर्शन अभी भी जारी है, अभी भी लोगों के मन में प्रशासन और शासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। आगे बने रहिए देशवाणी न्यूज के साथ, अपडेट्स देते रहेंगे आपको। अब तक के लिए बस यहीं तक।